इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मैं मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जिस तरीके से बैठक हुई थी व्यापारियों की, जिसमें सभी लोग सहमति से बंद के लिए सभी ने हामी भरी थी संडे लॉकडाउन के लिए, और आज हमारे साथ गुप्ता जी है। आज हम उनसे जानेंगे कि ये पूरी तरीके से सहमत है लॉकडाउन के लिए। सहमत तो है लॉकडाउन के लिए, पर संडे का दिन उचित नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि संडे विगत कई वर्षों से जुन्नार्दो में बाजार भरता हुआ आया है, और जुन्नार्दो का व्यापार ऐसे ही बहुत कमज़ोर है, और आजू बाजू की जो जनता गांव के लोग आते थे उसी से जुन्नार्दो का व्यापार चलता है। अब उनको पता चल गया कि संडे बंद है, तो ये संडे को फिर से एक बाज़ार के रूप में चालू करना बहुत बहुत मुश्किल का काम रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी 6 महीने यहाँ का व्यापारी भुगत चुका है संडे के बाज़ार को फिर से रोलिंग में लाने के लिए। और अपना यही देखते हुए मेरे हिसाब से संडे का दिन बहुत ही गलत दिन डिसाइड किया गया है। इसे शुक्रवार जो हमेशा रहता था वो दिन बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि आप तो वहाँ पर सहमति से बैठक में थे, उसके बाद भी आप इतवार लॉकडाउन का बहिष्कार कर रहे हो। सहमति वहाँ पर ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने वहाँ संडे का दिन डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करने के बाद बोल दिया गया कि संडे बंद रहेगा, जबकि जुन्नार्दो की कम से कम 500 व्यापारी है, 50, 60 या 100 व्यापारी कोई निर्णय नहीं ले सकते। आज तो पूरा 100% मार्केट बंद हुआ, लेकिन मेरे विचार हैं कि संडे के अलावा और कोई दूसरे दिन रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन अच्छा धंधा करते हैं व्यापारी, और छुट्टियां भी रहती हैं तो उससे व्यापार बढ़ता है, लेकिन ये दिन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज बाजार का दिन रहता है, इसमें व्यवसाय साप्ताहिक होता है, और पिछले लॉकडाउन की वजह से संडे का मार्केट वैसे भी थोड़ा मंदा हो गया है। इतवार लॉकडाउन से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं। 4-5 दिन पहले हमारे व्यापारियों के द्वारा एक बैठक रखी गई थी, इसमें सर्वसम्मति से राय ली गई थी व्यापारियों के द्वारा कि इतवार के दिन लॉकडाउन का रखा जाएगा सभी व्यापारियों की सहमति से। और आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि आज पूरा शहर जुन्नार्दो का आज पूरी तरह से बंद है, सो लोगों ने इस कोविड की महामारी को देखते हुए अपना समर्थन देकर पूर्ण रूप से बंद रखा हुआ है, इसका हम सभी व्यापारी बहुत बहुत आभार मानते हैं। क्या संडे लॉकडाउन से आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों नहीं हो? संडे का मार्केट वैसे इतना डल चल रहा है, और इसके पहले ये एक संडे बस नेक्स्ट संडे होली का मार्केट फिर खुल जाएगा, फिर मार्केट में भीड़ रहेगी। इसके पहले भी संडे लॉकडाउन हो चुका, उसके एक दिन में कोरोना हट जाएगा। इससे अच्छा शुक्रवार जो पहले बंद था सबसे बेस्ट बंद था, और भी अदर सिटीज़ में खुला हुआ है संडे मार्केट। अभी बंगाल में चुनाव है पूरा, वहाँ वैक्सीन लगने के बाद भी यहाँ पे भी लगने के बाद भी कोरोना फैल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब वैक्सीन लगे कोविड फैलना नहीं चाहिए। इसके हिसाब से तो फिर फ्राइडे ही सबसे बेस्ट रहेगा, संडे तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके हो रहा है। तो खुद का व्यापारी है, और जो नॉर्मल आम जनता है वो कैसे काम चलाएगी ऐसे में अपना। क्या आप इतवार लॉकडाउन से खुश हैं? नहीं, इतवार लॉकडाउन ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि शुक्रवार जो बंद रहना चाहिए बंद। अब इसके पहले जो लॉकडाउन हुआ था 78 दिन, उसमें क्या हुआ? व्यापारियों का ही मरण हुआ, और कोरोना से आदमी कम मरेगा, भुखमरी और बेरोजगारी से ज़्यादा मरेगा। लेकिन इसमें तो व्यापारी की सहमति थी। व्यापारी की कोई सहमति नहीं थी। पहले तो ये बताओ, मीटिंग किसने बुलाया था थाने में? SDM द्वारा मीटिंग रखी गई थी। SDM ने कोई एजेंडा घुमाया था व्यापारियों के पास? तो आप इससे सहमत नहीं हो? तो इससे सहमत नहीं हूँ। शुक्रवार जो बंद चलता था गुमास्ता के हिसाब से बंद रहना चाहिए। तो आपने मीटिंग में ये बात क्यों नहीं रखी? मीटिंग में हम गए नहीं, जब बुलाया नहीं गया। तो ये तो व्यापारी की स्वैच्छिक मीटिंग थी ना? व्यापारी की बैठक थोड़ी थी, व्यापारी 30-25 व्यापारी बाजार इतना बड़ा पड़ा हुआ है, तो मार्केट में वैसी पब्लिक नहीं आ रही है।